अच्छा आज का जो हमारा सवाल है दैट इज गोइंग टू बी कि आपका सबसे फेवरेट टीवी शो कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं अपने फेवरेट टीवी शो के बारे में तो दैट इज गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे क्यों पसंद है उसकी बहुत सी वजूहत हैं। मुझे क्यों इतना ज्यादा अच्छा लगता है और मैं क्यों उसे इतना हाईली रेट करता हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स मेनी फैक्टर्स। उनके कुछ फैक्टर्स में से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ, ठीक है। कुछ फैक्टर्स में से एक है कि उसकी डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है, उसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अमेजिंग है, उसके बाद जो लोकेशन उसमें इस्तेमाल हुई है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत खूबसूरत, बहुत एस्थेटिक, बहुत एग्जॉटिक जगह है वो, और नेचुरल ब्यूटी को बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। और वो जो कल्चर उन्होंने दिखाया है 16th-17th century का जो वो कल्चर है बहुत बहुत प्यारा कल्चर, मतलब एक रियलिटी, एक रियल अंग उसको देने की कोशिश की है। और जो भी किरदार है उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से उसको निभाया है। और अगर बात की जाए उसके स्क्रिप्ट की, उसके डायलॉग्स की, तो मैं कहता हूं कि उस मूवी से ज्यादा, उस वेब सीरीज से ज्यादा, उस सीजन से ज्यादा मुझे कोई भी ज्यादा चीज अट्रैक्ट नहीं करती है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी प्राइसलेस चीजें उन्होंने बताई हैं कि जो कि मुझे देखने में भी दूसरी मूवीज में नहीं मिलती हैं। उसके साथ साथ कुछ मूवीज हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मूवीज में से एक इंटरस्टेलर है, इंसेप्शन है और द रीडर है। द रीडर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद एक रीडर हूँ और इसमें एक रीडर की कहानी बयान की गई है। आप सब उस मूवी को जरूर देखें क्योंकि वो वर्थ इट है। उसके बाद इंटरस्टेलर साइफाई मूवी है और किस तरह साइंटिफिक आइडियाज को उन्होंने एक मूवी के अंदर लेके आने की कोशिश की है और बड़े अच्छे तरीके से विजुलाइज कराने की कोशिश की है दैट व्हाई डू वी नीड टू टेक इंटरेस्ट इन फिजिक्स। तो दिस वाज ऑल आज के इस मेरे बारे में बताने में कि मुझे क्या ज्यादा पसंद है। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या ज्यादा पसंद है।